वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मक्के की रोटी हम किस तरह से बनाएं। तो यहाँ पर मैंने मक्के का आटा लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है और बिल्कुल गर्म पानी लिया है। आप देख रहे हैं गर्म पानी भी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। थोड़ा पानी ज़्यादा तेज़ गर्म है इसलिए मैं थोड़ा चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ। गर्म पानी से जब हम मक्के का आटा गूंदते हैं तो मक्के की रोटियां बहुत ही नरम बनती हैं और बिल्कुल भी बेलते समय टूटती नहीं हैं। आज मैं आपके साथ दो तीन अलग अलग तरीके शेयर करूंगी कि किस तरह से आप मक्के की रोटी को बनाएं और किस तरह से उसे सेकें। तो बहुत से लोगों को मक्के की रोटी को बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही टूटती है। तो बस इस तरह से गर्म पानी डाल डाल कर मैंने मक्के के आटे को तैयार कर लिया है और वापस उसे बहुत अच्छी तरह से मसल रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी का छींटा देती जा रही हूँ मैं और आटे को बिल्कुल ही सॉफ्ट कर लूँगी। जितना अच्छा हम आटे को मलेंगे, मसलेंगे, गूंदेंगे, उतनी ही सॉफ्ट हमारी चपातियाँ बनेंगी। अब मैंने एक चम्मच घी लिया है और घी इसके ऊपर लगाकर वापस इसे मैं बहुत अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा ये जो डो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। जैसे हमारे गेहूं का आटे का डो बनता है बिल्कुल वैसे ही नरम आटा बना है। बस आप मक्के की रोटी यदि छोटी छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ें और बड़ी रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सी बड़े साइज़ की रोटियाँ तोड़ें। हमारे गेहूं के आटे की रोटी से थोड़ी सी मोटी होती है मक्के की रोटी। बहुत ज़्यादा अगर आप पतली करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो कड़क सी हो जाती, हार्ड हो जाती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो बस सभी मक्के की रोटी के मैंने इस तरह से गोल गोल बॉल बना ली हैं। गर्म पानी को मैंने हाथ में लगाया है वापस। आप इस समय सादा पानी भी ले सकते हैं। एक एक बॉल को मैं इस तरह से हाथ से दबाती जा रही हूँ। हथेली और उंगली से मैं इस रोटी को चारों तरफ से दबाते हुए बड़ा करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं अब मेरी रोटी इतनी बड़ी हो गई है। दोनों हाथों से मैं गोल गोल इसे घुमाती जा रही हूँ और अब मैंने दोनों हाथों से इसे दबाकर अच्छी तरह से बड़ा कर लिया है। आप चाहें तो चौकी बेलन में भी इसे बेल सकते हैं। तो चौकी बेलन में यदि आप बेलना चाहते हैं तो चौकी में आप एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर इसे बेलें। तो अब मैंने तवे पर मक्के की रोटी डाल दी है। रोटी को डालने से पहले दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा तेल या घी लगा लें। एल्यूमिनियम फॉइल मैंने इस चौकी पर लगाई है, आप देख सकते हैं मुझे एक भी रोटी को बेलने में परेशानी नहीं हो रही है। एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। यदि आप डायरेक्ट चौकी पर रोटी को बेलेंगे तो वो बहुत चिपकेगी और उठाने में टूटेगी, परंतु यदि एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे या क्लिंग रैप लगाएंगे तो हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। दोनों तरफ से सूखी सेकने के बाद मैं दोनों साइड से घी लगा रही हूँ। तो यह है मक्के की रोटी का आप पराठा भी बोल सकते हैं। दो अलग अलग तरीके से आज मैं आपको रोटी बनाना बता रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छा घी लगाकर दबा दबा कर इसे बढ़िया अच्छा क्रिस्पी कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी, बहुत धीमी आँच पर भी ना पकाएं, ना तो रोटी कड़ी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं ये रोटी का कलर बड़ा अच्छा आ गया है। तो आप डायरेक्ट तवे पर घी लगाकर सेक सकते हैं। दूसरे तरीके में बताऊंगी कि आप रोटी को डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर सेकें। बेलने के दो तरीके बताए हैं मैंने आपको। एक तो आप हाथों से हथेली से बेल सकते हैं, दूसरा चौकी पर एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर आप साधारण बेलन से बेलें। इससे आपकी एक भी रोटी नहीं टूटेगी। और बस अब मैं एल्यूमिनियम फॉइल पर चौकी के ऊपर लोई को रखती जा रही हूँ, बेलती जा रही हूँ और रोटियों को तवे पर डालती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी एक भी रोटी क्रेक नहीं हुई है, ये देखें। और बार बार मैं आपको रोटी को उठाकर दिखा रही हूँ कि कहीं से भी रोटी नहीं चिपक रही है। तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं दोस्तों। यदि एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप सादी पॉलीथिन भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक की शीट भी लगा सकते हैं। दोनों रोटी को मैंने ड्राई सेका है, बिल्कुल भी तेल घी का यूज़ नहीं किया है। बहुत से लोग घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो बस मक्के की रोटी को इस ढंग से खाएं। ड्राई सेकने के बाद, सूखी सेकने के बाद आपको गैस की फ्लेम पर इसे दोनों तरफ से बढ़िया अच्छा सेक लेना है, जब तक कि इसमें थोड़ा डार्क कलर ना आ जाए, ताकि हमारी रोटी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो बस दोनों ही तरह से सेक सकते हैं, या मक्के की रोटी को पराठे के स्टाइल में सेकें या फिर गैस की फ्लेम पर सेकें। दोनों ही तरह से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही फ़ायदा करती है, बहुत ही हेल्दी होती है। और ख़ासकर ठंड के मौसम में हमें मक्के की रोटी ज़रूर खाना चाहिए। आप एक बार इस तरीके से बनाएं,
एक भी रोटी आपकी नहीं टूटेगी और आपको बेलने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और बस अब इस गरम गरम रोटी पर यदि आप घी खाना चाहते हैं तो आधी छोटी चम्मच घी ज़रूर लगाएं। मक्के की रोटी में वैसे घी का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है। तो दो रोटी को मैंने पराठे स्टाइल में सेका है और दो रोटी को बिल्कुल सूखा सेका है। मेरे यहाँ बच्चे घी वाली रोटी पसंद करते हैं, इसलिए मैं आधी आधी चम्मच दोनों सूखी रोटी में घी लगा रही हूँ। और बस पनीर की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने, जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये तरीका था मक्के की रोटी को बनाने का और अलग अलग ढंग से मक्के की रोटी को सेकने का, पकाने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।